हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल अच्छी। तो मैं ये इस वीडियो में जन्माष्टमी की प्रिपरेशन लेके आई हूँ और ये दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे जन्माष्टमी पर्व पे तैयारियाँ की हैं। तो जन्माष्टमी के लिए सर्वप्रथम सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अष्टदल कमल। तो ये देखिए, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, मैं फूलों से अष्टदल कमल बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में थोड़ा दिखा भी दूं कि मैं किस तरीके से अष्टदल कमल बना रही हूँ, जिस पर मैं अपने लड्डू गोपाल का झूला स्थापित करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है अष्टदल कमल जिसमें मैंने एक कली भर दी है और बाकी कलियां भर रही हूँ। तो ये जो है, ये गुलाब की पंखुड़ियों को मैंने निकाल के इनका बॉर्डर बनाया है और बीच में मैं गेंदे के फूल की पंखुड़ियों को भरूंगी। तो ये लाल एवं पीले कलर का अष्टदल कमल बनेगा जिसके ऊपर मैं लड्डू गोपाल की झूले को सजाऊंगी। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं झूले की प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ और झूले को कैसे सजा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा लग रहा है ये अष्टदल कमल। और ये है थाली में उसकी पंखुड़ियाँ जो मैं अभी भरने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैं बना रही हूँ, ये देखिए। आई होप आप सब देख पा रहे होंगे क्लियरली कि किस तरीके से ये बन रहा है। ये देखिए, मेरा अष्टदल कमल रेडी हो गया है। कितना प्यारा लग रहा है ये। इस तरीके से मैंने गेंदे का फूल गुलाब की पंखुड़ियों के बीच भर दिया है। इस पे हम अपने लड्डू गोपाल का झूला स्थापित करेंगे। तो आइए देखते हैं मैंने अपना झूला कैसे सजाया और किस प्रकार यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने इस प्रकार लड्डू गोपाल का झूला सजाया है। ये फूलों से मैंने सजाया है और इस प्रकार अष्टदल कमल पे स्थापित किया है। अब मैं दिखाती हूँ कि लड्डू गोपाल को मैंने कैसे स्थापित किया है उनके झूले में। ये रहे मेरे कन्हैया जी जो अब झूले में विराजमान हो गए हैं। तो ये देखिए हमारे कन्हैया जी को कितने प्यारे लग रहे हैं कन्हैया जी श्रृंगार करके फूलों के झूले में बैठ के। ये है उनका झूला जो इस प्रकार दिख रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा लग रहा है ये झूला। मैं इस तरीके से दिखा देती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, ये झूला हमने मंदिर के सामने ही लगाया है। ये है उनके पालने की रस्सी जो मैंने फूलों से ही बनाई है। इस प्रकार झूला मैंने मंदिर के सामने लगाया है, ये देखिए। अभी मैं और भी तैयारियां कर रही हूं, तो वो करने के बाद मैं आपको दिखाती हूं कि और मैंने क्या क्या तैयारियां की हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने कन्हैया जी और राधा रानी को कैसे जन्माष्टमी पे तैयार किया है। तो इसका वीडियो तो आपने पहले ही देख लिया होगा, बट ये मंदिर में उनका स्वरूप इस प्रकार दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए हमारे कन्हैया जी राधा रानी कितने प्यारे लग रहे हैं और ये इनके ऊपर पुष्प जो लगा है वो भी कितना प्यारा लग रहा है और बहुत खुशबूदार फूल है ये। और ये है हमारी गौ माता जो यहाँ पे खड़ी है। तो ये रहे हमारे कन्हैया जी और राधा रानी। अब आते हैं गणपति जी और लक्ष्मी जी को। तो ये रहे हमारे गणपति महाराज और लक्ष्मी जी जो यहाँ विराजमान हैं। ये भी बड़े प्यारे लग रहे हैं, छोटे से, क्यूट से। और ये देखिए, ये हैं हमारी दुर्गा मैया। कितनी प्यारी लग रही हैं हमारी दुर्गा मैया इस स्वरूप में। मैं यहाँ से इनके बाल थोड़ा साइड कर देती हूँ तो आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। ये देखिए। और आइए अब मैं दिखाती हूँ हमारे शिव जी कैसे लग रहे हैं। ये है हमारे शिव जी और ये है हमारे राम दरबार। तो देखिए हमारे राम दरबार को किस प्रकार मैंने सजाया है। ये इनका आंखों का श्रृंगार सब मैंने किया है और इनकी ड्रेस देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो इस प्रकार मैंने जन्माष्टमी पे सभी देवी देवताओं को सजाया है। और ये देखिए मेरे मंदिर का पूर्ण स्वरूप।
कितना प्यारा लग रहा है और कितने अच्छे से दिख रहे हैं सब देवी देवता यहाँ पे। और अभी मैंने इन पे जल और पुष्प चढ़ाया है, अब हम इन पे भोग लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब मैंने पूजा की पूरी तैयारी कर ली है। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ दीप जला दिए हैं लड्डू गोपाल के झूले के साइड में, और यहाँ पे मैंने एक दीप जलाया है घी का, और ये लड्डू गोपाल की चरण पादुका है, ये धूप जलाया है, ये जल रखा है उनके लिए, और ये हमारे लड्डू गोपाल तुलसी पत्र चढ़ाया हुआ है मैंने, और ये है उनके लिए फल जिसमें मैंने केला, सेब, अमरूद, नारियल और खीरा रखा है और तुलसी पत्र के साथ। और यहाँ पे मैंने आरती की थाली सजाई है, जो हम आरती करेंगे 12 बजे के बाद। कान्हा जी का फिर से स्नान होगा, फिर से श्रृंगार होगा, फिर आरती होगी। और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया है, ये 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश और मखाना, और सब में तुलसी पत्र मैंने डाले हुए हैं। तो ये है हमारी ड्राई फ्रूट्स की थाली, ये है साबूदाने की खीर। आज के दिन हम फलाहारी भोग लगाते हैं, तो ये सारे भोग फलाहारी हैं फ्रेंड्स। और ये पंचामृत है, और ये धनिया की पंजीरी है, ये नारियल का लड्डू है, और ये पूड़ियाँ हैं, और ये लड्डू गोपाल के लिए जल है, और ये अगरबत्ती हमने जलाई थी जो जल गई है। अब आइए मैं दिखा देती हूँ मंदिर में मैंने किस प्रकार भोग लगाया है। ये मंदिर में दीप जल रहा है, ये देखिए मैंने लड्डू भोग लगाए हैं गणपति जी को, दुर्गा माँ को, लक्ष्मी जी को, राधे कृष्ण को, राम दरबार, शंकर जी, साईं बाबा, सबको भोग लग चुका है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मेरे मंदिर का लुक, ये मैं थोड़ा ऊपर से दिखा देती हूँ कि मेरा मंदिर दिखता कैसा है। उसके ऊपर मैंने फूल चढ़ाया है और विंडो है, विंडो पे व्हाइट कर्टन है, और यहाँ पे भी मैंने लाल फूल की माला टांगी हुई है जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स की है, और ये टॉप पे लाइट है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मंदिर है, और ये रहा हमारे लड्डू गोपाल का झूला, और इस प्रकार मैंने उनको भोग लगाया है। तो ये रही मेरी पूरी जन्माष्टमी की प्रिपरेशन। अब हम 12 बजे के बाद बाल गोपाल को फिर से स्नान कराएंगे और फिर उनकी आरती होगी।
फ्रेंड्स, अब मैं दिखाती हूँ कि जन्माष्टमी में मैंने 12 बजे के बाद, जन्म के बाद कैसा श्रृंगार किया अपने कान्हा जी का। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी, लल्ला जी कैसे लग रहे हैं। ये उनकी न्यू ड्रेस, न्यू ज्वेलरीज, इयर रिंग्स, उनका मुकुट, सब कुछ मैंने नया पहनाया है। तो ये है उनका पूर्ण श्रृंगार वीडियो। कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। सो फ्रेंड्स, हम कन्हैया जी को झूला झूला रहे हैं, ये देखिए। इसके बाद मैं कन्हैया जी का आरती करूंगी। सो मैंने आरती कर ली है, तो ये रहा दृश्य आरती के बाद का। आप फिर से एक बार कान्हा जी का दर्शन कर लीजिए। और इसके साथ मैं जन्माष्टमी वीडियो का समापन करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।